गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। गुणात्माओं एक मोटा सा उदाहरण है, कहते हैं सो छल छिद्र में करूं अपने जन के काज, जैसे आपने द्रौपदी का उदाहरण सुना होगा। आपने केवल इतना सुन रखा है कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण नहीं बढ़ा सकता एक तिल भी, श्री कृष्ण का तो कोई औकात ही नहीं। कहते मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। उदाहरण के लिए छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक समय धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रसन्न किया कि हे परमात्मा, मैं तो श्री कृष्ण के ऊपर फिदा हूँ, मैं उसका प्रशंसक हूँ, उपासक हूँ। उन्होंने राजा मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आरे से दो फाड़ करवा के चिरवा के वो मर गया था, उसको फिर जीवित कर दिया। आप कहते हो ये कुछ कर नहीं सकते, परमात्मा ने कहा कि धर्मदास और थोड़ा सा आगे भी सोचो। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और अभिमन्यु की मृत्यु होगी, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी और अभिमन्यु उसका सगा भांजा था। सुभद्रा रो रही थी, पांडवों का कुल नाश हो रहा था, श्री कृष्ण रो रहा था, और श्री कृष्ण अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका। और वहां मोर ध्वज के पुत्र को जा पंगा लिया, उसको चीर कर जीवित कर दिया, तो वहां उसको क्यों ना जीवित किया। धर्मदास जी कहने लगे भगवान आप ही बताओ, ये तो हमारे बुद्धि कभी काम ही नहीं करी ऐसी। तो परमात्मा ने कहा कि ये जैसे मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज की आयु शेष थी, तो उसने उसको आप पे मार दिया और आप पे जीवित कर दिया, तो जादूगर करके दिखा देते हैं। लेकिन अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित कर सका, क्योंकि उसकी आयु शेष नहीं थी, ये एक श्वास भी नहीं बढ़ा सकते। और परमात्मा कहते हैं जो हमारी शरण में आ जाएगा उसकी आयु जब चाहेगा जब मौत देंगे उसको, मौत क्या उसको जीवन देंगे, सतलोक में वास करा देंगे, रहना चाहे जब तक यहाँ रहिए, भक्ति करिए, नियमित रहना। हम वो शक्ति हैं, कबीर साहब ने कहा धर्मदास को। तो पुण्यात्मा जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में तीन पुरुष बताए हैं, एक सर्पुरुष एक अक्षर पुरुष। सर्पुरुष तो ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, बस इतना ही भगवान है, इतना ही प्रभु है यो। और अक्षर पुरुष यो 7 संख ब्रह्मांड का, नील पद्म संख, 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना ही प्रभु है। और वो तीसरे नंबर का जो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है, उसके बारे में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, पूर्ण ब्रह्म। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, तो उसको। तो यहाँ जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, 16वें श्लोक में 2 पुरुष बता दिए, सर्पुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं वो सभी, ये भी इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो सभी नाशवान हैं, लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग अगर देखी भी ना मरती बात है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य,
वो श्रेष्ठ भगवान, उत्तम श्रेष्ठ पुरुष माने परमात्मा यानी परम अक्षर पुरुष, वो तो इन दोनों से अन्य है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊपर को तीनों, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो एक उदाहरण रूप में। तो जो जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं आकर अपनी जानकारी आप पे बताई, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तो मूल कौन है वो ये दास बताएगा, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर पुरुष तो तना है समझो, वृक्ष जमीन से बाहर जो दिखाई देता है जितना भी वो वृक्ष कहलाता है। तो वृक्ष के फिर भाग हैं, अलग अलग विभाग हैं। नीचे तना है वो तो अक्षर पुरुष समझो, फिर उससे एक मोटी डार निकली है वो सरपुरुष समझो, ये ज्योति निरंजन काल। उसकी तीन शाखाएं हों वृक्ष की यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी इसकी ब्रांच है और पात रूप संसार, और जो जमीन के अंदर गुप्त है प्रोक्ष है वो जड़ है, और जड़ से ही सबको आहार मिलता है। पूरे पेड़ को जड़ से सी खुराक मिलती है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरण में आविश्य विवर्ती, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा ये एग्जाम्पल बहुत गजब का है, उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का जड़ से ही पूरे विश्व को यानी पूर्ण परमात्मा से ही पूरे विश्व को सब कुछ मिल रहा है, जो भी आपका वर्क डन है वो भी वहीं से मिल रहा है। अब जैसे कोई नौकरी करता है गवर्नमेंट की, वहां उसने दिहाड़ी करी, उसकी तनख्वाह बनी, कैशियर के पास आ गई, ट्रेजरी में आ गई, उसने दे दी उठा के, आपका वर्क डन था। अगर आपने नौकरी ना कर रखी हो, हाजिरी ना लग रही हो, तो कैशियर ना दे चवन्नी। तो ये भगवान तो कैशियर समझ लो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उस परम पिता के। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।